अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टोक्यो मोटर पे आज हम आए और हमें जो है एक बहुत स्पेशल गाड़ी नज़र आई, जो कि हर एक जो है यंगस्टर और जो चाहता है कि मैं गाड़ी जो है मॉडिफाई कराऊं, तो उसके लिए ये वीडियो है। ठीक हो गया, हमें बहुत पसंद है और मेरे साथ साथ जो है ना इस बंदे को भी ये गाड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसका आपको जो है ना प्रॉपर डिटेल रिव्यू देंगे, तो वीडियो को मिस नहीं करना है कहीं भी, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ना आफ्टर मार्केट चीज़ें इंस्टॉल्ड है। तो चलो चलते हैं गाड़ी की तरफ। और ये है कुछ इसकी गाड़ी। ठीक हो गया, सबसे पहले फ्रंट लुक की तरफ आते हैं, तो आपको फ्रंट में ही अंदाज़ा हो जाएगा काफ़ी जो है ना एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें इंस्टॉल्ड है। 2001 मॉडल है और 2006 में इसको फेसलिफ्ट किया गया है। सबसे पहले आते हैं इसके हेडलैम्प की तरफ, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा आपको जो है ना बम्पर में आपको जो है ना फॉग लैंप इंस्टॉल किया गया, और साथ साथ में जो है ना फ्रंट पे आपको जो है ना बॉडी किट भी इंस्टॉल होके मिलेंगे। बाकी इसका जो ग्रिल है वो जेन्युइन है, उसमें आपको जो है ना ऊपर क्रोम और इसका जो नंबर प्लेट है डिज़ाइन है उस पर भी मुझे पसंद है, उसमें भी क्रोम यूज़ किया गया। पता नहीं लोगों को क्रोम से ज़्यादा ही मोहब्बत है। ठीक हो गया, बाकी आते हैं इसके कुछ साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये कुछ इसका साइड प्रोफाइल। अब आते हैं इसके अलाइव्स की तरफ, तो अलाइव्स का आप डिज़ाइन देख सकते हैं जो है काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। ओआरएम की तरफ आते हो तो ओआरएम की जो है ना आपको जो है ना सेट एंड सिग्नल मिल जाएगा। साथ साथ इसका जो इंटीरियर है काफ़ी कमाल का बनाया हुआ है। इसका इंटीरियर मैं आपको थोड़े से विज़िट करा देता हूँ, ये कुछ इसका इंटीरियर। बाकी जब बैठेंगे तो आपको जो है ना प्रॉपर डिटेल से रिव्यू कराएंगे कि क्या कुछ इसमें इंस्टॉल है। इसके अलावा आपको जो है ना एयरप्रेस आपको इंस्टॉल मिल जाएगी, ऊपर से आपको सनरूफ। ठीक हो गया, और ये कुछ इसका बैक से लुक आपको दिखा देता हूँ, और ये कुछ इसका बैक से लुक जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ना अंदर से जो कंडीशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में 2001 मॉडल, लेकिन जिस भाई ने बनाई है कमाल के बनाई है। इसके अलावा आपको देखिए सराउंडिंग में टोटली क्रोम मिल जाएगा। बैक की तरफ आते हैं तो बैक में आपको जो है ना स्पॉइलर इंस्टॉल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है ना रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्रोम यूज़ किया गया है। क्लब बैक बम्पर के भी जो है जो आजकल जो पार्किंग सेंसर वगैरह है वो भी जो है ना बनाई है। जो गाड़ी का लुक है अगर नष्टी बात की जाए तो गाड़ी लुक की जो है ना कमाल के होने वाली। बाकी आप बैक की लाइट देख सकते हैं जो है ना काफ़ी कमाल और बेहतरीन है। ये जो है ना पेंट हुई हुई गाड़ी है, शावर की है, सिर्फ इसमें कोई प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, बाकी टोटल अपनी सिलों पर हैं। क्योंकि व्यूअर्स अब इंटीरियर में चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं कि इसका इंटीरियर की कंडीशन कैसी है। तो व्यूअर्स हम गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। अब पहले सबसे पहले आपको इसके इंटीरियर का विजिट कराता हूं कि गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन कैसी है। ठीक है, टोटल साफ़ सुथरी है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई 2001 मॉडल या 2006 में इसको फेस लिफ्ट किया गया है। ठीक हो गया, और इसके अलावा बायर भी जो है ना मेरा जो क्राइम पार्टनर है वो भी लगे, वो भी वीडियो बना रहा है। तो सबसे पहले आते हैं इसके डोर की तरफ, तो आप देख सकते हैं आप काफ़ी जो है ना साइड पे और फ्रंट पे आपको वुडन यूज़ किया गया। और इसके अलावा आपको जो है ना ड्राइवर की सीटों ड्राइवर की विंडो ऑटो मिलेगी, ब्याह की आपको जो है ना मैनुअल मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ से डोर लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। क्रोम का है इसमें हैंडल दिया गया जो कि काफ़ी अच्छे फीचर है। अब ये नहीं पता कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया कुछ। ठीक है, बाकी आते हैं इसके जो है ना कोई फीचर की तरफ, तो यहाँ डिग्री का आफ्टर मार्केट यहाँ से क्या आप यहाँ से अपना ट्रंक ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से लाइट एडजस्ट करते हैं आपके इसके कि अपने कितने आपको रोशनी चाहिए इसके, और इसके अलावा आपको जिन्हें आपसे मिरर आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड पे आपको जो है ना फ्यूल और गाड़ी के जो हीटअप है उसके इंडिकेशन मिलेंगे। दरमियान में आपको जो है ना स्पीडोमीटर मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आपको जो ना स्पीडोमीटर के इंडिकेशन मिल जाएगी। अब आते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की तरफ, तो मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉल पिक एंड डिक्लाइन कर सकते हैं। मस्ट आफ्टर मार्केट इसमें जो है ना स्क्रीन इंस्टॉल की गई है। ठीक हो गया, और इसके अलावा इसमें काफ़ी वुडन यूज़ किया गया है जो कि एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा आपको जो है ना दोनों फ्रंट विंडो पे आपको फाइल होल्डर की और जो है ना जगह दी गई, और साथ में आपको फेंडर भी ऊपर आते तो ऊपर आपको जो है ना सनरूफ। इसका अपना अलग ही मज़ा है कि इसमें जो है ना आप जो है ना वो कर सकते हैं, बैठे हो तो उसका अपने एक ही फीलिंग है। ठीक हो गया जी, और यहाँ के एनालॉग
आपको जो है ना एसी इवेंट दिए गए जो कि अच्छी अच्छा है, और यहाँ से आप एसी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप जो है ना अंदर जो बाहर से फ्रेश एयर ले सकते हैं उसका ऑप्शन है, दरमियान में एजलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर आते हैं ऊपर आप में सनशेड सनशेड में वेंटिलेटर दिए गए हैं विदाउट लाइट, दूसरी साइड पे जो है ना सनशेड में वेंटिलेटर दिए गए विदाउट लाइट, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप जो है ना एक्स्ट्रा लाइट है जो कि एलईडी में मौजूद है, ये भी जो है ना आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करेगी, और यहाँ से आप जो है ना सनरूफ ओपन कर सकते हैं। अब ग्लव बॉक्स की तरफ आते हैं तो ग्लव बॉक्स में भी जो है ना अच्छी स्पेस मौजूद है वूवर्स, और इसका अगर इंजन का बात करें तो 1.7 लीटर इसमें इंजन है जो कि काफ़ी पावर इसमें होती है, और जो यंगस्टर है जो गाड़ी मॉडिफाई कराते हैं उसमें अक्सर इनको जो है ना ये 1.7 लीटर ही जो है ना वो इसमें इंस्टॉल कराते हैं। इसके अलावा आपको इसमें दो SRS एयर बैग मिल जाएगा, एक आपको जो है ना स्टेयरिंग के ऊपर और दूसरा आपको जो है ना फ्रंट के ऊपर मिल जाएगा। व्यूअर्स ये थे गाड़ी के कुछ डिटेल, तो बाहर आपको चलते हैं और इसके आपको जो है ना इंजन है उसकी कंडीशन भी बता देंगे, इसके इंजन की कंडीशन कैसी है, और उसको प्रॉपर आपको डिटेल फाइनल डिटेल बता देंगे कौन से इसके क्या जो है ना कीमत है और कहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है। तो चलते हैं बैन इंजन की तरफ, व्यूअर्स आप गाड़ी के जो है ना इंजन के उसमें आ चुके हैं, और ये कुछ इंजन के कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश इंजन है, अब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं भी जो है ना डैमेज वगैरह नहीं है। आप ये जो है ना सिलो से बता देते हैं, वो जो है ना जो गाड़ी चेक करते हैं कि भाई गाड़ी लगी है कि नहीं है फ्रंट से, और ये कुछ गाड़ी की कंडीशन इंजन की, बाकी आपको डिटेल बताता हूँ। और बाकी अगर डिटेल की बात की जाए तो 2001 मॉडल है, 2006 को इसमें फेसलिफ्ट किया गया है, और अगर डिमांड की बात की जाए तो 22 लाख डिमांड की जा रही है टोक्यो मोटर जेट मरकज़ में। अगर किसी ने बाय करने तो कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसलिए जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको जो बाकी मालूमात चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।